वेलकम बैक यू एरिस्टोक्रेट्स। और काफी हफ्तों बाद कार न्यूज वाला एपिसोड आ रहा है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर रहा हूँ और इसे थोड़ा और मजेदार बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना, आप में से मेजोरिटी लोग अनसब्सक्राइब्ड है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे काफी तगड़ा होगा और काफी बड़ी हमारी कम्युनिटी बन जाएगी। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज है कि जो BYD है, जो कि एक चाइनीज इलेक्ट्रिक कार फर्म है, उसकी जो एटो 3 है उसका इंडिया में अनवेल हो गया है। और जिस गाड़ी का ऑफिशियल लॉन्च है इंडिया में नवंबर में होने वाला है। और ये काफी ऐसी यूनिक सी गाड़ी है, काफी ऐसी कूल सी गाड़ी है, जिसमें आपको दो डिफरेंट बैटरी पैक मिलते हैं, एक 50 kWh वाला और एक 60.5 kWh वाला, जिसमें इस गाड़ी में आपको 350 से लेके अराउंड 420 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जो कि ठीक है। और साथ ही में आपको लुक्स काफी यूनिक मिलती है, जो कि MG की गाड़ियों से काफी रिजेंबल करती है। और ये जो सारी चाइनीज कार फर्म्स आजकल गाड़ियां बना रही है, उसमें मुझे प्रॉब्लम ये लगती है कि उनकी लुक्स काफी कुछ रिजेंबल करती है। और हर एक ब्रांड का ऐसे कुछ यूनिक सा DNA नहीं होता, जैसे अमेरिकन कार्स में होता है या फिर जर्मन कार्स में होता है और इंडियन कार्स में भी होता है इनफैक्ट। और बाकी इस गाड़ी में आपको साइड में ऐसे वही कूपे वाली लुक्स मिलती है और पीछे आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स मिलती है। और जो इसका इंटीरियर है वो काफी कूल सा है, जिसमें आपको बड़ी सी स्क्रीन मिलती है और आपको ऐसे म्यूजिकल टाइप इंस्ट्रूमेंट मिलते हैं इस गाड़ी में। बट हू केयर्स, बिकॉज दिस कार इज नॉट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। मतलब BYD इस गाड़ी को पूरा चाइना में मैन्युफैक्चर करके उसे इंडिया में ला रहे हैं, तो वो थोड़ा खराब है मेरे ख्याल से। अगर आप इंडिया में बनाओ और इंडिया में बेचो काफी सही होगा। उसके बाद जो अगली न्यूज है कि जो टाटा की टियागो EV है, उसका इंडिया में लॉन्च हुआ था, जो कि इंडिया की सबसे अफोर्डेबल EV है, जो कि अराउंड $10,000 के प्राइस में आती है, जो कि काफी तगड़ी चीज है और काफी बड़ी चीज है, क्योंकि बाहर की जो इलेक्ट्रिक कार्स है उनकी बैटरी इतनी ही आती है जितनी ये पूरी गाड़ी है, जिसमें आपको पूरे 4-5 बंदे की बैठाने की जगह मिलती है और आपको ऐसे बढ़िया 4-स्टार एनकैप रेटिंग मिलती है, काफी सही है। और इस गाड़ी की प्री बुकिंग टाटा ने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें टाटा ने कहा था कि अभी जो फिलहाल इस गाड़ी का प्राइस है, जो कि इसका इंट्रोडक्टरी प्राइस है पहले के 10,000 कस्टमर्स के लिए, और उसके बाद इस गाड़ी का प्राइस इंक्रीज होने वाला है। और इस गाड़ी की इतनी ज्यादा डिमांड आई कि इस गाड़ी के एक सिंगल दिन में ही अराउंड 10,000 बुकिंग्स हो गई, जो कि अगर आप देखें एक नॉर्मल IC इंजन वाली गाड़ी के लिए काफी बड़ा नंबर है अगर उसकी एक सिंगल दिन में 10,000 बुकिंग हो जाती है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, जो कि स्पेशली इंडिया में आ रही है, जिसमें अभी भी लोग काफी कम विश्वास करते हैं इलेक्ट्रिक कार्स में, तो वहां पे काफी बड़ी चीज है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी में अगर इतना फोकस कर रहे हैं कस्टमर और इतना विश्वास कर रही है, तो काफी तगड़ी चीज है। और मुझे पता था कि इस गाड़ी की सेल्स बड़ी होने वाली है, पर इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस गाड़ी की इतनी जल्दी है जो 10,000 यूनिट्स वाला मार्क है इतना जल्दी कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ तक कि जो टाटा की वेबसाइट है जहाँ पे इस गाड़ी की बुकिंग हो रही थी, वो भी क्रैश कर गई थी और कंपनी को दोबारा अपनी वेबसाइट को रीलोड करना पड़ा था, ताकि जो कस्टमर है अपनी कार्स को बुक करा पाए। तो भाई ये काफी सही चीज है, और इंडियन भाई काफी अब शिफ्ट हो रहे हैं बढ़िया बढ़िया कार्स में, और उन्हें समझ आ रहा है कि कहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट करके उन्हें ज्यादा बढ़िया ROI मिलने वाला है उनकी कार में। और ऐसे इंडियंस आर गेटिंग वेरी स्मार्ट, दिस इज अ गुड थिंग। और साथ ही में टाटा ने एक और बढ़िया चीज क्या करी कि टाटा ने कहा है कि जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है अब अगले 10,000 कस्टमर्स के लिए भी वैलिड है, तो अगर आपको बुक करानी है आप करा सकते हैं, और आपको भी जो इंट्रोडक्टरी प्राइस है इस गाड़ी का मिलने वाला है, और 2023 के आसपास इस गाड़ी की डिलीवरी आपको मिलने वाली है। तो अभी तक जो टाटा का इलेक्ट्रिक कार वाला नंबर है, जो कि अराउंड 3500 कार्स का है पर मंथ का, वो आसानी से इस गाड़ी के साथ अराउंड 6,000 कार्स पे आने वाला है, जिसमें मेजोरिटी अब टाटा की जो सेल्स है इस वाली कार से आने वाली है, फिर नेक्सॉन EV से आने वाली है, फिर टियागो EV से आने वाली है। तो काफी बढ़िया ऐसे उनके एक पोर्टफोलियो बन गया इलेक्ट्रिक कार्स की, और इंडियंस इसे खरीद भी रहे हैं और बड़ी बात है। तो थैंक यू इंडियन गाइस हु आर बाइंग ग्रेट कार्स एंड मेकिंग द इंडियन इकोनॉमी प्रॉस्पर। फिर दोस्तों जो अगली न्यूज है कि जो एस्प्रेसो है उसका CNG वाला वर्जन लॉन्च हो गया 5.9 lakh rupees एक्चुअली इंडिया के प्राइस में। बट हू केयर्स, अगर प्राइस 6.9 lakh होता तो फिर भी थोड़ा मैं ध्यान देता और इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन में बताता, लेकिन 5.9 lakh का प्राइस है तो मैं आई डोंट केयर, कुछ मर्जी इस गाड़ी में बढ़िया चीज हो, भले इस गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ आ जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। फिर दोस्तों अगली न्यूज कुछ ज्यादा और ऐसे अचंभित वाली है, और वो भी इलेक्ट्रिक कार की है, जिसमें जो मर्सिडीज बेंज की EQS 580 है, जो कि अभी अनवील हुई थी 2 हफ्ते पहले, जो कि अराउंड ऐसे 1.8 करोड़ की गाड़ी है, और इसमें आपको तगड़ी ऐसे 850 किलोमीटर की रेंज मिलती है, और आपको ऐसे बहुत ही बड़ी स्क्रीन मिलती है इसके इंटीरियर में, और आपको अलग सी लुक्स मिलती है। और इस गाड़ी का प्राइस अगर आप देखिए काफी ज्यादा है, 1.8 करोड़ का है, और इस प्राइस में आपको S-क्लास वगैरह सॉरी जो एकदम पिनिकल सेडान्स है वो आपको मिल जाती है। और जनरली ये थिंकिंग होती है कि इस वाले प्राइस में जो प्री बुकिंग है काफी कम आती है और धीरे धीरे कार्स बिकना शुरू होती है, पर ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है जो कि 1.8 करोड़ के प्राइस में आ रही है, और इस गाड़ी की 2 हफ्ते के अंदर अंदर अराउंड 300 बुकिंग्स हो गई है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है 300 बुकिंग्स एक इलेक्ट्रिक 1.8 करोड़ की गाड़ी के लिए, जिसका पता भी नहीं है कि इंडिया में क्या एग्जैक्टली होने वाला है, उसकी 300 बुकिंग्स आ रही है 2 हफ्ते के अंदर। और अगर आपको ये पर्सपेक्टिव डालना है तो अराउंड 3-4 साल पहले अगर एक S-क्लास भी लॉन्च होती थी उसकी भी इतनी जल्दी इतनी बुकिंग्स नहीं होती थी, लेकिन ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इसकी हो रही है। तो भाई इंडियंस को क्या हो गया भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया कार्स को कैसे वो पहचान पा रहे हैं और उन पे इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि सारे इंडियंस कार वर्सल को देखने लग गए या फिर रिस्टो कार को, तो अगर आप देख रहे हो सब्सक्राइब कर लो, आपकी जो IQ है और जो आपका कार्स में अवेयरनेस है कुछ और बढ़ने वाला है और आप बढ़िया बढ़िया कार्स को चूज करने वाले हैं। सो गो एंड सब्सक्राइब टू कार वर्सल एंड अरिस्टो कार। फिर दोस्तों अगली न्यूज है कि जो XUV 300 टर्बो सपोर्ट है उसका इंडिया में लॉन्च हो गया था, जो कि XUV का एक थोड़ा स्पोर्टी वाला वर्जन है, जिसमें आपको 22 horsepower एक्स्ट्रा मिलती है, साथ ही में आपको थोड़े एस्थेटिक चेंजेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नया कलर मिलता है, आपको रेड एक्सेंट मिलता है इस गाड़ी में, साथ ही में इंडिया की सबसे फास्टेस्ट सब 4 meter कॉम्पैक्ट SUV है और ये सबसे पावरफुल गाड़ी भी है अपने सेगमेंट की, और इसमें आपको थोड़े बहुत अपग्रेड्स मिलते हैं इसके इंटीरियर में। और इस गाड़ी की जो
ऑफिशियल डिलीवरी है वो भी स्टार्ट हो गई है। और अगर आपको इस गाड़ी के बारे में एकदम डिटेल में जानना है कि कैसे ये इंडिया का बेस्ट स्पेशल एडिशन है जो कि आज तक लॉन्च हुआ है, तो कार वर्सल की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करना और आपको पता चलेगा कि कैसे टाटा को सीखना चाहिए महिंद्रा से और अपनी जो स्पेशल एडिशन वाली कार्स है उनमें थोड़े और एडवांसमेंट करने चाहिए। इसके बाद दोस्तों जो अगली न्यूज है कि इंडिया में पहली बार हुआ है या फिर जो इंडियन कार इंडस्ट्री है उसमें पहली बार हुआ है कि एक सिंगल क्वार्टर में 10 लाख से ऊपर गाड़ियां बिकी है जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। और अगर आप टेक्निकली देखें तो इसका मतलब होता है कि एक साल में 4 मिलियन गाड़ियां या फिर 40 लाख गाड़ियां जो कि काफी बड़ा नंबर है और इंडिया को थर्ड बिगेस्ट कार मार्केट बना सकता है। तो इंडिया का जो 4 मिलियन वाला एक मार्कअप है या फिर जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है अगर हम ऐसे कंसिस्टेंटली कार्स को खरीदते रहे और बढ़िया जो इकोनॉमी है उसमें ऐड करते रहे। और जो नवरात्र है उसी में अराउंड 5.5 लाख गाड़ियां बिकी है तो काफी तगड़ा नंबर है 5.5 लाख गाड़ियां कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो इंडियंस काफी ऐसे बढ़िया बढ़िया कार्स को खरीद रहे हैं, तो जाओ जाके आप सब भी कार्स को खरीदो और बढ़िया बढ़िया मजे लो अपनी नई कार के। फिर दोस्तों अगली न्यूज है और काफी ज्यादा तगड़ी न्यूज है कि जो स्कोडा की कुशाक है और जो फोक्सवैगन की टाइगुन है उसकी ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट रेडिंग हुई थी। और जो इनका क्रैश टेस्ट हुआ है उसके बारे में ऐसे 2-3 काफी कूल चीज है, जिसमें पहली कूल चीज थी कि इनका जो क्रैश हुआ वो ग्लोबल एनकैप के जो नए वाले नॉर्म्स है उनके बेसिस पे हुआ है, जिसमें सारे नए ऐसे रूल्स वगैरह है जो कि पहले से काफी स्ट्रिक्ट है। इन दोनों कार्स ने एडल्ट ऑक्यूपेंसी में 5 स्टार रेटिंग स्कोर करी है जो कि चलो सही है, काफी सारी कार्स इंडिया में करते हैं, लेकिन ये इंडिया की पहली कार बनती है जो कि चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में 5 स्टार रेटिंग स्कोर करी है जो कि बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया में आज तक कोई भी गाड़ी नहीं, ना कोई टाटा की गाड़ी है ना कोई महिंद्रा की गाड़ी है जिसने 5 स्टार रेटिंग स्कोर करी है उसकी चाइल्ड ऑक्यूपेंसी में, पर इस गाड़ी ने स्कोर करा है जो कि काफी तगड़ा नंबर है जो कि दिखा रहा है कि फोक्सवैगन काफी सीरियस है इंडिया को लेके। और जो इंडियन कस्टमर की हर एक है, भले वो सेफ्टी हो, भले वो लुक्स हो, भले वो परफॉर्मेंस हो या फिर भले वो फीचर्स हो, हर एक जो मेट्रिक है उसमें अपने आप को प्रूफ करके दिखा रहे हैं। और इसलिए मैं आप सबको कहता हूं जाओ जाके फोक्सवैगन की या फिर स्कोडा की कार्स खरीदो, काफी अंडररेटेड है और एक कार थोड़ी और अटेंशन डिजर्व करती है। और फिर जो आज की लास्ट न्यूज है कि जो सोनी है और जो होंडा है मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स को बनाने वाले हैं और जो उनकी पहली गाड़ी है 2026 के आसपास लॉन्च होने वाली है। तो ये मेरे ख्याल से काफी से तगड़ी कोलैबोरेशन है जिसमें टेक कंपनी और एक कार कंपनी मिलकर ऐसे कार्स को बनाने वाले हैं, जिसमें जो टेक कंपनी है अपनी ऐसे बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी को एग्जाम्पल स्क्रीन है या फिर यूजर इंटरफेस या फिर ऐसे लाइटो वाइटो को डालने वाले हैं, और वही जो कार कंपनी है अपनी कार मैन्युफैक्चरिंग वाली एक्सपर्टीज को फॉर एग्जाम्पल असेंबली लाइन को सेट करना या फिर गाड़ी को कैसे एस्थेटिकली बढ़िया बनाना है या फिर गाड़ी में कैसे ऐसे एरोडायनामिक एफिशिएंसी डालनी है वो सबको ला सकता है और बढ़िया कॉम्बिनेशन बन सकता है। और टेस्ला भी अगर आप देखें इसी का टेक्निकली एक कॉम्बिनेशन है, एक टेक कंपनी का और एक कार कंपनी का, और ऐसे मेरे ख्याल से और कंपनीज को करना चाहिए जिसमें एक बड़ी सी टेक कंपनी और एक बड़ी सी कार कंपनी मिलकर कार्स को बना रही है और बढ़िया बढ़िया जो कस्टमर है उन्हें सर्व कर रहे हैं। और बाकी यही था आज की वीडियो में, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है। Okay. Mama called the doctor. Doctor said. What'd she say?